क्वेश्चन 7 फाइंड द सम ऑफ 22 टर्म्स ऑफ एन एपी इन विच डी इज इक्वल टू 7 एंड 22nd टर्म इज 149। एक एपी है जिसका 22 पद है, यानी एन जो है इसका 22 है, 22 पदों वाली है, यानी एन बराबर 22 और डी बराबर 7 इसमें दिया हुआ है, और 22वां पद 149 और 149 है 22वां पद, यानी ए 22 है वो 149। अब आपको पता करना है, इन सब का योग करना है, जो टोटल पद हैं उसका टोटल, लास्ट पद का 149 है, फर्स्ट पद जो इसमें दिया हुआ नहीं है, डिफरेंस 7 का है, और तो आपको पता करना है क्या है, आपको पता करना है कि सम एस एन ज्ञात करना है, सम ऑफ दी ऑल टर्म्स, और सम का जो फॉर्मूला होता है वो ज्ञात करने के लिए पहले आपको निकालना पड़ेगा वैल्यू ए की, क्योंकि इसमें ए नहीं है, और ए की वैल्यू निकालने के लिए आपको निकालना पड़ेगा ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 और डी। ओके, ए एन कितना है, ये है 149, ठीक है, इसको आप इधर ले आइए और इधर ले आइए ए प्लस एन माइनस 1 डी, ए कितना है पता नहीं है, ए प्लस एन माइनस 1 डी, ठीक है, एन कितने हैं 22, ओके, एन है कितना 22 और माइनस 1 घटा दो 22 में से तो कितना हो जाएगा 21, और डी कितना है 7, 21 गुणा 7 तो ए बराबर कितना हो गया 149, और ये प्लस का है माइनस आ जाएगा, 21 को 7 से गुणा किया तो ये हो गया 147, यानी ए बराबर 2, 149 में से 147 घटाया था 2, चलो ए की वैल्यू हमारे पास में आ गई ए बराबर 2। अब आपको सम निकालना है टोटल टर्म्स का, और अब क्योंकि आपके पास ए भी है, आपके पास में डी भी है, आपके पास एन भी है, इसलिए आप सम निकाल सकते हैं, और सम वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। सम वाला फॉर्मूला क्या होता है, एस एन सम ऑफ ऑल द टर्म्स इज इक्वल टू एन बटा 2 गुणा 2a प्लस एन माइनस 1 गुणा डी, ठीक है, ये होता है। अब एस एन कितना है, पहले आप इसको इधर ले लीजिए, एन बटा 2, एन कितना है 22, ठीक है, 22 बटा 2 यानी 11 हो गया, ही एन की जगह 11 लिख दो आप, और 2a, a कितना है 2, तो 2 को 2 से गुणा किया तो 4 हो गया, 2a की जगह 4 आ जाएगा, प्लस n माइनस 1, n कितना है 22, 22 में से एक घटाओगे तो कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, और d 7 से गुणा करोगे तो 21 को 7 से गुणा किया तो अभी हमने किया था ना, 21 को 7 से गुणा किया था तो आया था 147, एन माइनस 1 गुणा डी ये आ गया, ठीक है, एन 22 में से एक घटाया 21, 21 को 7 से गुणा किया तो 147, और ये कितना हो जाएगा एस एन के बराबर हो जाएगा, ठीक है, बराबर एस एन, और हल कर दीजिए 11 गुणा 147 को 4 से गुणा कर 4 जोड़ दो तो 151 हो गया, 147 में 4 जोड़ा 151 हो गया बराबर एस एन, या हम कहेंगे कि एस एन बराबर 11 को 151 से गुणा कर दो तो ये हो गया 11 एक का 11, एक बच्चा 55 और एक 56, 5 बचा 5 और 5 और 11 और 5 16, 1661। प्रश्न में क्या पूछा है, एक एपी के पहले 22 पदों का योग ज्ञात करो, तो वो है 1661। एपी के पहले 22 पदों का योग है 1661, द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म ऑफ एपी इज 1661, क्लियर। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।